नया साल और सर्दियों की रिमझिम, आजादी चौक, गुलबर्ग, टाउनशिप, सतुकतला, डेविस रोड, गड़ी शाहू, निस्बत रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदे बरसी। बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा और धुंध में कमी। बारिश के बायस फिसलन फिरोजपुर रोड पर 9 मोटरसाइकिल सवार गिर पड़े। हादसे में 12 अफराद जख्मी, एक मोटरसाइकिल सवार की टांग टूट गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मौसम सर्द और सुई गैस और एलपीजी नायाब, सुई गैस की बंदिश से आवाम अजियत का शिकार। खातीन का खाना पकाना भी दुश्वार, होटलों से खाना मंगवाने पर मजबूर। शहरी माफिया के रहमो करम पर एलपीजी की किल्लत, गाड़ी चले और न घर, शहरी दरबदर। 115 रुपए के सरकारी रेट पर मिलने वाली एलपीजी गायब, ब्लैक में 170 से 180 रुपए में फरोख्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। दो रुकनी बेंच में जस्टिस एजाज उल अहसन भी शामिल। मुफादेआमा से मुतालिक केसों की समाअत होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज दो रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो पीपल्स लॉयर्स फोरम के जेर एहतमाम हाईकोर्ट बार में तकरीब से खिताब करेंगे। बिलावल हाउस में कयाम के दौरान पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। पैरागौर हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा साद ख्वाजा सलमान रफीक को आज अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों मुलजमान को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत पेश किया जा रहा है। नैब की जानिब से दोनों मुलजमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। एक सितम और अभी जहां बाकी है। महंगाई में पिसे आवाम पर एक और बार मीठा भी महंगा हो गया। माफिया ने चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो अज खुद इजाफा कर दिया। इंतजामिया नाकाम, शुगर माफिया की मिली भगत, एक के बाद एक नई नई मुसीबत। सरकारी रेट लिस्ट में चीनी की कीमत 55 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि दुकानों पर 60 रुपए में फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी के थैले की कीमत 2750 रुपए तक जा पहुंची। चीनी की कीमत भी कम होनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी भी कम होनी चाहिए। चीनी भी महंगी हो गई, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। इंसान बस सस्ता हो गया, उसको जितने मर्जी मार दो। चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। चीनी जो हमें पहले सस्ते में मिलती थी, अब वो भी बहुत ज़्यादा ऊंची चले गई है। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको चाहिए कि इसकी कीमत में कमी करें, ताकि ये तो हर घर की ज़रूरत है। अगर इसमें इजाफा करते जाएंगे तो आम इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकता है। हुकूमत से यही अपील कर सकते हैं कि चीनी हर घर की ज़रूरत है। घर में ज़ाहिर आपकी मेहरबानी हो, गवर्नमेंट चीनी कम करें या आप बढ़ाए। हर चीज़ वक्त के हिसाब से बढ़ती जा रही है। मेहरबानी, हुकूमत से अपील करते हैं। हमारे और भी बहुत मसाइल हैं। बुनियादी चीज़ हमारी चीनी है। मीठा तो वैसे हर घर में यूज़ होता है, अगर इतनी महंगाई ये बढ़ती जाएगी तो आगे तो अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। कूड़े के खिलाफ जंग, लाहौर न्यूज के संग बागों का शहर कचरा कचरा। लाहौर न्यूज की ने इंतजामिया को जगाया। अलबेराक और ओवर ओस पार्क के अफसरान बंद और आरामदेह कमरों से बाहर निकलने पर मजबूर। सड़कों, गलियों और चौराहों की सफाई शुरू। सफाई वर्कर्स और LWMC की गाड़ियां कूड़ा उठाने लगी। उधर लाहौर न्यूज की खबर पर इंतजामिया की फुर्तियां, नाकिस सफाई पर 3 सुपरवाइजर्स मुअत्तल। जोनल ऑफिसर पितरस करम और अली रजा को शो कॉज नोटिस जारी। सफाई सुथराई पर समझौता नहीं करेंगे MD फारूक कयूम बट। सफाई वर्कर्स की हफ्ते और इतवार की छुट्टी भी मनसूख। सफाई करने की हिदायत जारी कर दी गई। Ben öncelikle Lahor News'e çok çok teşekkür ediyorum. Bol bol şükriye daha kartı ama Lahor News'ka cinone cinone itna acha ek point raise kiye. Bu duyarlılıkların devam etmesini isterim. Ye jo cheezein ye jo activities tarah se main meri umeed hai ki continue hi rahengi kyunki ye awam ki behtri ke liye sab kuch ho raha hai. Çünkü bizim de bazen kusurlarımız görmediğimiz olabilir. Çünkü hamare kuch jo hai na kuch aisi cheeze jo hum bhi miss kar dete hai ki jo hamari aankhon se ojal ho jati hai.
आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज एक कदम और आगे। अगर आप सफाई के मामलात पर सख्त परेशान हैं, गंदगी और ताफुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज और या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के इस नंबर पर 03444450192। अवामी खिदमत है बहाना, लाहौर न्यूज आपके शाना बशाना। शहरियों को साफ पानी फराहम करने के दावे हकायक कुछ और। बल्दिया उस्मा के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर मयारी निकले। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लेबोरेटरी टेस्ट मुकम्मल, एक भी प्लांट मयार पर पूरा नहीं उतरा। PCSIR लेबोरेटरी की रिपोर्ट में इंकशाफ। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 90 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वासा के हवाले करने का फैसला। जबकि पंजाब हुकूमत का माली बहरान संगीन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा भी मंजूर ना हो सका। महंगी टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स नहीं, PND बोर्ड तहफुजात का शिकार। महमूद बूटी, शादबाग, शादरा, बाबू साबू में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 8,30,00,000 रुपए मांगे गए थे। पानी चोरी करने वाले हो जाएं होशियार, खबरदार, मुलजिमों को सजाए देने के लिए वासा अदालत को दोबारा फाल करने का फैसला। राजगढ़ ऑफिस में बाकायदा अदालत बनाई जाएगी। वासा ने पंजाब हुकूमत से मजिस्ट्रेट और पुलिस कांस्टेबल्स की खिदमात भी मांग ली। बस थोड़ा और इंतजार, लाहौर पर होगी रंग और नूर की बरसात। PHA का जश्न बहारा फेस्टिवल मनाने का फैसला। फ्लावर शो, कैटल शो, मुशायरे, मसवरी के मुकाबले जलानी पार्क में जश्न बहारा फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां। थिएटर समेत दीगर सकाफती प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सालेहा सईद की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। एक और नन्ही कली जुल्म का शिकार, 9 साल आयशा कत्ल केस में पुलिस ताहाल कोई पेशरफ्त न कर सकी। उम्रा की अदायगी के बाद वापस आने वाली वालिदा गम से निडाल, इंसाफ ना मिला तो खुदकुशी कर लूंगी। लोहारी की आयशा की वालिदा फातिमा बीबी की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगु। गुजरात पुलिस में 70 करोड़ रुपए की करप्शन के केस पर समाअत आज होगी। साबिक DPO गुजरात राय एजाज समेत 11 मुलजिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से मुलजिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। राय एजाज पर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। खवातीन के लिए बनाओ सिंगार जरूरी, मुकामी क्लब में मेकअप क्लास का एहतमाम। खातीन को हेयर स्टाइल और मेकअप के जदीद तरीके सिखाए गए। मेकअप आर्टिस्ट अमारा उमैर कहती हैं, बहुत से लोग बाहर जाकर नहीं सीख सकते, इसलिए यहां वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जरिए तमाम कोचिंग कैंप का चौथा रोज जूनियर खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स और मैट रेसलिंग की तरबियत हासिल की। कोचिंग कैंप 31 जनवरी तक पंजाब स्टेडियम में जारी रहेगा। और साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो का 51वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सालगिरह की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी।